हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में मैं बात करूंगा रशियन वीज़ा के बारे में। रशिया का वीज़ा मैं 3 बार लिया हूं, 2 बार इंडिया से लिया हूं, 1 बार इंडिया के बाहर से लिया हूं, बिश्केक से, और इंडिया मैंने कोलकाता से लिया था। तो बात करूंगा इस वीडियो में कि मैंने इंडिया के बाहर कैसे लिया और इंडिया के अंदर कैसे लिया, क्या प्रोसीजर है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कितना टाइम लगता है, कितने पैसे देने होते हैं, सब कुछ के बारे में बात करूंगा। क्योंकि आप लोग में से काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि रशियन का वीज़ा कैसे मिलता है, तो सोचा फाइनली मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूं, क्योंकि शायद आपके काम आए अगर आप कभी रशिया के बाहर ट्रैवल करो या फिर रशिया जाना चाहते हो इंडिया से ही। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ रशियन वीज़ा मैंने इंडिया में, उसके बाद मैं बात करूँगा रशियन वीज़ा इंडिया के बाहर, ठीक है। तो इस वीडियो 2 पार्ट वाला होगा, एक रशिया का वीज़ा इंडिया के अंदर, एक इंडिया के बाहर। तो रशिया का वीज़ा मैंने इंडिया के अंदर लिया था कलकत्ता से। सबसे पहले जो रशियन वीज़ा जब स्टार्ट करते हो आप लेना, मतलब जो प्रोसीजर स्टार्ट करते हो, सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट थिंग है वो है इनविटेशन लेटर। उसके बिना आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो इनविटेशन लेटर का कुछ लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। भाई बता देता हूँ कि वो अफिलिएट, मतलब मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा है, मैंने यूज़ किया था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कोई मुझे स्पॉन्सर नहीं कर रहा इस वीडियो के ऊपर, मैं खुद से बना रहा हूँ ये वीडियो। तो सबसे पहले आपको इनविटेशन लेटर लेना होता है। ये होता क्या है कि एक कोई टूरिस्ट कंपनी आपको रशिया से ऑफ़र करती है आपको रशिया आने के लिए, कुछ ऐसा प्रोसीजर है। तो आप जाना होता है आपको उनके वेबसाइट पे, आपको अप्लाई करना होता है, और आपको जनरली 2 मिनट के अंदर आपको इनविटेशन लेटर मिल जाता है। तो ये हैंड टू हैंड प्रोसीजर है, आप जस्ट पैसे पे करो। अराउंड मैंने पे किया था $16 के आसपास, ये हमारा खर्चा होता है। उसके बाद इनविटेशन लेटर मिलने के बाद आपको रशियन एम्बेसी की जो वेबसाइट पर जाना होता है। इंडिया में क्या है प्रोसीजर कि इंडिया में आप दो तरीके से वीज़ा ले सकते हो, एक है BFS के थ्रू और एक है डायरेक्ट एम्बेसी में। यार लेकिन कलकत्ता में मैंने BFS के थ्रू नहीं लिया था, क्योंकि मैं एम्बेसी में कलकत्ता में अप्लाई कर सकते हो, बट अलग लाइक दिल्ली वगैरह में आप एम्बेसी से अप्लाई नहीं कर सकते, तो आपको BFS के थ्रू ही जाना होता है, कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन रिकमेंड करूंगा कि अगर कोई कलकत्ता वासी देख रहा है या कलकत्ता साइड में आता है, क्योंकि मैं बिहार से हूँ, मेरा जुरिडिक्शन कलकत्ता आता है, तो मैं कलकत्ता में बिना BFS के थ्रू जाए ले सकता हूँ। अगर BFS के थ्रू जाओगे तो आपको अराउंड 1500-1600 रुपये एक्स्ट्रा और देने होंगे BFS को, फ़ी के अलावा आपको और देने होंगे पैसे, तो आपका खर्चा और बढ़ जाएगा। लेकिन एम्बेसी के थ्रू जाओगे तो आपको जो खर्चा होगा वो देना नहीं होता, जो BFS की फ़ी होती है। तो सबसे पहले आपके पास इनविटेशन लेटर आ गया, फिर आप रशियन वेबसाइट पे जाओगे, वो फॉर्म आता है, नॉर्मल सा फॉर्म है, उस फॉर्म को आपको फिल करना है। बिना इनविटेशन लेटर के वो फॉर्म आप फिल नहीं कर सकते। तो आप पहले सबसे पहले इनविटेशन लेटर आपको लेना होगा, फिर वो फॉर्म होगा वो फिल कर लेना। और डॉक्यूमेंट्स में वो सिर्फ वो फॉर्म मांगते हैं, इनविटेशन लेटर मांगते हैं, फोटोग्राफ मांगते हैं, दैट्स इट। मुझसे कभी बैंक स्टेटमेंट नहीं मांगा, कभी फ्लाइट टिकट नहीं मांगी, कभी नहीं मांगा, ना इंडिया में ना इंडिया के बाहर। तो रशियन वीज़ा में बैंक स्टेटमेंट और फ्लाइट टिकट की कोई ज़रूरत होती ही नहीं, आपको देना ही नहीं होता। काफ़ी इजी प्रोसेस है रशियन वीज़ा लेना। तो पैसे कितने लेते हैं, मैंने कलकत्ता में 2 बार लिया था, तो मैं डायरेक्ट में एम्बेसी से, हाँ और एक बात और बोलना भूल गया मैं, कि अगर आप कलकत्ता से लेते हो तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। तो मैं अपॉइंटमेंट का भी लिंक दे दूंगा, सारा कुछ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि फॉर्म कहाँ से भरें, कहाँ से इनविटेशन लेटर लें और कहाँ से अपॉइंटमेंट लें कलकत्ता के लिए। तो कलकत्ता में आपको अपॉइंटमेंट लेना होता है, उसका ईमेल प्रिंट आउट करवा लेना, सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताए दिए, 2 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं फुल वगैरह में, ठीक है। काफ़ी इजी प्रोसेस है यार, उतनी घबराने वाली कोई बात नहीं, रशियन वीज़ा काफ़ी इजी है। मेरा पहला वीज़ा रशियन वीज़ा ही था मेरे पासपोर्ट के ऊपर, और बिना कोई ट्रैवल हिस्ट्री के, मैं 17 साल का था उस समय जब मुझे पहला वीज़ा मिला था। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से मिल जाता है। मैं 17 साल का था और मैं पहली बार गया था रशिया 2018 में, 2 साल पहले गया था, अगस्त 2018 में गया था, तब से मैं ट्रैवल ही कर रहा हूँ। तो आपको रशियन वीज़ा मिलता है, सिर्फ सिंगल एंट्री वीज़ा होता है, लाइक जो टूरिस्ट वीज़ा होता है वो सिंगल एंट्री वीज़ा होता है। आपको डबल एंट्री चाहिए, नहीं टूरिस्ट वीज़ा सिंगल एंट्री होता है, लेकिन मल्टीपल एंट्री भी आप ले सकते हो, थोड़ा महंगा होता है, इनविटेशन लेटर भी थोड़ा महंगा आता है, पता नहीं कितना क्या आएगा, क्योंकि मैंने हमेशा सिंगल एंट्री ली है। और मैक्स टू मैक्स आपको 30 दिनों तक रह सकते हो रशियन वीज़ा पर, इन्हें टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा पे आप 3 महीने तक रह सकते हो, ठीक है। तो मैंने टूरिस्ट वीज़ा ही लिया था, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। तो वो जो डॉक्यूमेंट्स लेके आपको एम्बेसी जाना है और आपको वो जाके देना है, ये मतलब हम उनको देना है कि ये देखो डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, वो एक बार चेक करेंगे। और कलकत्ता में मुझे हाथों हाथ मिल गया था, मतलब मैं सारे डॉक्यूमेंट्स लेके गया और उन्होंने मतलब 1 घंटे के अंदर मुझे वीज़ा लगा के मेरे पासपोर्ट के ऊपर दे दिया, बिना फोटोग्राफ का। हाँ बिना फोटोग्राफ का मुझे पहली बार वीज़ा मिला था। तो मतलब उस समय जब मैं पहली बार गया तो वीज़ा फी 1300 रुपये थी, लेकिन उसका डबल देना पड़ा था मुझे अगर आपको सेम डे चाहिए वीज़ा। तो अगर आप 3 दिनों के बाद लेते हो तो आपको पड़ेंगे वही 1300 रुपये, लेकिन अब वीज़ा फी बढ़ गई है तो अब 2100 रुपये देने होते हैं। तो 2100 रुपये अब है, तो अगर आपको हाथों हाथ चाहिए तो आपको देने पड़ेंगे 4200 रुपये, आपको 1 घंटे के अंदर मिल जाएगा रशियन वीज़ा कलकत्ता से। और दिल्ली सबका ये प्रोसीजर है, लेकिन दिल्ली से में क्या है कि आपको जाना पड़ेगा BFS के थ्रू, तो आपको हाथों हाथ नहीं मिलेगा, लेकिन कलकत्ता की एम्बेसी में मुझे हाथों हाथ मिल गया था।
बीएफएस के थ्रू लेने का घाटा क्या है ना कि आप बीएफएस को पहले आप देते हो, फिर बीएफएस उस सारे डॉक्यूमेंट्स को एम्बेसी में फॉरवर्ड करते हैं, फिर एम्बेसी वाले वीज़ा लगा के फिर बीएफएस वाले को वापस करते हैं आपका पासपोर्ट, फिर बीएफएस आपको देता है। बीएफएस सिर्फ एक माध्यम है, बीएफएस के जाने से गारंटी नहीं है कि आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। हालांकि रशियन वीज़ा रिजेक्शन बहुत कम चांस होता है, मेरा तो रिजेक्ट नहीं हुआ, शायद पंजाब वाले का कुछ ज़्यादा रिजेक्ट होता है, उनकी प्रॉब्लम है शायद। अगर आप पंजाब से नहीं हो तो वीज़ा में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने मुझे याद है मैं पहले ट्रिप में कुछ पंजाबियों से मिला था, तो उन्होंने कहा था कि उनसे बैंक स्टेटमेंट भी लिया था, उनसे फ्लाइट टिकट भी लिया गया था। तो अलग अलग जगह का अलग अलग रूल इंडिया में बना रखा है ऐसा, लेकिन मैं इंडिया के बाहर मैंने नहीं देखा। इंडिया के बाहर जब मैंने बिस्केक से लिया था तो पास हो जाए यार, वहाँ पर जाने के बाद सेम डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताया था, सिर्फ दो तीन डॉक्यूमेंट लगते हैं, फोटोग्राफ्स, इन्विटेशन लेटर, आपका वीज़ा जो फॉर्म होता है आपको भरना होता है वहाँ से आप भाई। उसके अलावा आपको जाना है बिस्केक की एम्बेसी या किसी भी एम्बेसी जा सकते हो आप, जहाँ आपको जाना है, जहाँ आपकी नियरेस्ट एम्बेसी है। कोई ऐसा कोई जरूरत नहीं कि मैं बिस्केक में एज़ ए टूरिस्ट वीज़ा पे था, फिर भी मुझे वीज़ा आराम से मिल गया था। तो कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, कोई बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, कोई फ्लाइट टिकट कुछ ज़रूरत नहीं होती, और डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सेम लगेंगे सारे जगह, आप कहीं भी ले लो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि कुछ कुछ लोगों के लिए एक्सेप्शन है, मैंने आपको बताया कि पंजाबियों वालों के लिए थोड़ा परेशानी करते हैं, बट काफ़ी लोगों से उसमें मैं भी लाऊँ जो जिनको बिना परेशानी की वीज़ा मिल गया है पंजाब से जो भी है फिर भी, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं पता नहीं क्यों। मैंने सुना था सेम किर्गिस्तान एम्बेसी जब गया था तो वहाँ भी कुछ ऐसा बता रहे थे। और वीज़ा फी 2100 रुपये है, मैंने आपको बता ही दिया वीज़ा फी 2100 रुपये है। सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर ही लेना चैनल को अब तक नहीं किया, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मैं बनाता रहूँगा इस तरह की। थैंक यू वेरी मच।